बालसप्ताह निमित्त मुंबई येथील अनेक रेल्वे स्टेशनवर अर्पण NGO तर्फे पथनाट्याचं आयोजन बाललैंगिक शोषण मुक्त जग या ध्येयाच्या दिशेने मोठी झेप घेण्यासाठी अर्पण संस्था 2019 पासून बालसुरक्षा सप्ताहामध्ये विविध जनजागृती मोहिमेचे आयोजन करण्यात येते. या संस्थेचे संस्थापिका आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा तपाडिया म्हणतात की हे कार्यक्रम प्रत्येक पालकाने सहभागी होऊन मुलींचे लैंगिक शोषणापासूनचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्येकाने पुढे आले पाहिजे. बघूया पथनाट्याच्या माध्यमातून कशा प्रकारे जनजागृती करण्यात येते. चाइल्ड अब्यूज यानी बाल लैंगिक शोषण के बारे में बात कर रहे हो. बिल्कुल सही विक्रम, क्या तुम्हें इसके बारे में और जानकारी है? हाँ है ना, तो बताओ. बाल लैंगिक शोषण जो होता है उसमें बच्चे का शरीर ही नहीं बल्कि उसके विश्वास और उसके स्नेहपूर्ण संबंध पर भी आघात होता है. बाल लैंगिक शोषण अमीरी गरीबी ताकतवर कमजोर ऐसा कोई भेद नहीं करता. शोषणकर्ता जो होता है वो सिर्फ बच्चों की मासूमियत देखता ही नहीं बल्कि उसके फूल जैसा जो बच्चा होता है उसकी मासूमियत को कुचलता है, उसका सिर्फ शोषण करता है. दोस्तों ध्यान में रखिए, कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी भी छोटे बच्चे के साथ गलत तरीके का व्यवहार नहीं कर सकता. अरे क्यों रो रही हो?